आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र की। बरहेट विधानसभा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरीके से गढ़ है। झारखंड बनने के बाद यहाँ पर चार बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और चारों बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ चुनाव जीता है। भाजपा का क्या हाल है, भाजपा किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करती है, सारी बातें आपको बताएंगे। 2005 में पहली बार झारखंड बनने के बाद चुनाव हुए, वहां से विधायक रहे थॉमस सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हैं। 2009 हेमलाल मुर्मू, 2014 और 2019 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से विधायक बने, दोनों बार चुनाव जीते। और दोनों बार चुनाव में देखेंगे तो उनका वोट प्रतिशत बड़ा अच्छा रहा और वोट प्रतिशत बढ़ा भी। भाजपा की तरफ नजर डालेंगे तो भाजपा भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रही है, उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो 2009 के चुनाव में मात्र 9% था, वो 2019 के चुनाव में 34% हो गया, यानी 25% का इजाफा हो गया। तो क्या इस बार उस अभेद किला में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला है बरहेट, क्या वहाँ बरसेंध मारी कर पाएगी भाजपा, क्या इस बार वहाँ कमल खिलेगा, इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं बरहेट विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते आए हैं। दो विधानसभा का चुनाव लड़ा है और दोनों बार विजयी हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं उस समीकरण को जहां पर भाजपा के लिए कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है, लेकिन उस लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखेंगे तो वो मजबूत इसलिए भी नजर आता है क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ते हैं। 2005 की बात करें, 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे थॉमस सोरेन, उनको 45.92% वोट मिले थे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी थे साइमन माल्टो, उनको 31.02% वोट मिले थे। तो अंतर एक तरीके से काफी बड़ा अंतर था, एक तरफा एक तरीके से ये चुनाव रहा जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव जीता। 2009 की बात करेंगे तो भाजपा की हालत यहां पर बहुत ज्यादा खराब नजर आई। प्रत्याशी भाजपा की तरफ से मनोज मुर्मू थे, उनको मात्र 9% के अराउंड वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का गढ़ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, बहुत मजबूत अभेद किला रहा है। उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ भाजपा कोई सेंधमारी कर पाएगी। 2014 का चुनाव भाजपा के लिए रिकवरी मोड था, वहां पर उनका वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ा लेकिन वहां फिर भी हारे वो। भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था तत्कालीन विधायक हेमलाल मुर्मू को, जो कि 2009 के चुनाव को जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। यहाँ पर उनकी वोटिंग प्रतिशत थी 28.38, यानी भाजपा को 28.38% वोट मिले, जो कि 9% से बढ़कर 28.38 हुए थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो यहाँ पर प्रत्याशी थे वो थे हेमंत सोरेन, उनको वोट मिले थे 46.18%। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये गढ़ रहा है, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अभेद किला है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, जहां से हेमंत सोरेन दो बार विधायक रहे, 2014 की बात कर रहे थे। 2019 की अगर बात करेंगे तो यहां पर अपने पुराने खिलाड़ी साइमन माल्टो को लेकर आती है भाजपा, और भाजपा यहां अच्छा करती जरूर नजर आती है लेकिन चुनाव नहीं जीतती है। उनका वोटिंग प्रतिशत 34% तक बढ़ जाता है, जो कि 2009 में मात्र 9% था, वो 2019 में 34% हो जाता है, यानी 25% की उछाल होती है। फिर भी वो वहां पर चुनाव नहीं जीत पाती है। और यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को 53.49% वोट मिलते हैं, तो इनके वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा होता है। उधर भाजपा भी बहुत अच्छी छलांग लगाती है लेकिन उस अभेद किला को भेद नहीं पाती है। अब ये देखना होगा कि भाई ये 2024 का चुनाव विधानसभा जो बहुत नज़दीक है, क्या उसमें सेंधमारी कर पाती है। तो आप आंकड़ों के लिहाज से समझ सकते हैं कि बरहेट जो विधानसभा क्षेत्र रहा है वो किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव की भी बात कर ले तो यहाँ भी भाजपा को बहुत ज़्यादा खुशी हाथ नहीं लगी, निराशा ही हाथ लगी। ये राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है बरहेट विधानसभा, और यहाँ पर भी तकरीबन 24,000 से झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड ले गई। थॉमस हांसदा ने चुनाव जीता था और यहाँ पर उनको तकरीबन 76,000 वोट मिले, और वहीं ताला मरांडी जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको 52,000 के आसपास का वोट मिला। आपको ये भी बता दें कि विजय हांसदा यहाँ से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं 2009 में, वो निर्दलीय खड़े हुए थे और तकरीबन उनको 20,303 वोट मिले थे। तो हम बात कर रहे हैं बरहेट विधानसभा क्षेत्र की, जो कि अभेद किला रहा है। क्या उस किले में सेंधमारी भाजपा कर पाएगी, वर्तमान सिनारियों को अगर देखेंगे तो बहुत कुछ बदला है। तो क्या भाजपा जो नैरेटिव सेट कर रही थी
उसका फायदा उठा पाएगी। अगर लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो सारी सीटें भाजपा हार जाती हैं, जो रिजर्व सीटें रहती हैं, जो संथाल की सीटें रहती हैं, तो क्या इस बार इस विधानसभा वाले चुनाव में कुछ अलग कर पाएगी? क्या जो मुद्दा वो लेकर आई है, जो आप देख रहे हैं अभी हालिया जो प्रकरण है जिसमें वो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बातें कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बातें कर रहे हैं, क्या वो उसको भुना पाएगी? क्या बरहेट तक उसकी आंच आ पाएगी? अगर आप देखेंगे इस पूरे प्रकरण में देखेंगे, जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जब 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी होती है, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हम बात कर रहे हैं, भूमि घोटाले संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, और वो जो झारखंड में राजनीतिक बदलाव हुए थे जहां चंपई सोरेन को आपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखा था, और 28 जून को जब उनको जमानत मिलती है, यानी हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं तो फिर से राजनीतिक घटनाक्रम में चेंज होता है। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री पद संभाल रहे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर इस राज को संभाल रहे थे, उनको वापस जाना पड़ता है और फिर शपथ ले लेते हैं हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्या उसे भी लेकर चुनावी मुद्दा बनाएगी भाजपा? क्या बरहेट में इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्या बांग्लादेशी मुद्दा का फर्क पड़ेगा? या फिर हेमंत सोरेन यहाँ पर मजबूत नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनको जमानत मिली है और जमानत की जो दलील वो पेश कर रहे हैं, इससे पहले भी लगातार वो हमलावर रहे हैं, उनकी पार्टी हमलावर रही है कि बेवजह उनको जमीन घोटाले मामले में फंसाया गया और एक तरीके से वो संदेश देने की भी वो कोशिश कर रहे थे, तो क्या वो इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी उठा पाएंगे? एक और प्लस पॉइंट जो नजर आने लगा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी राजनीति में आ गई, वो गांडे से विधानसभा उपचुनाव जीत जाती हैं, वो भी विधायिका हैं, तो क्या जो महिला वोटर्स हैं उनके लिए एक नया चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल गया है? तो इन सारे समीकरण के बीच में बरहेट विधानसभा किस तरीके से नजर आने लगा है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मजबूत यहाँ पर हो गए हैं? क्या उनका वोटिंग प्रतिशत और बढ़ जाएगा, या भाजपा यहाँ पर अच्छा कर जाएगी? जो वो मुद्दे लेकर आ रही है, जो नैरेटिव वो सेट कर रही है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की जा रही है, जो डेमोग्राफिक चेंज की बातें की जा रही है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो जिस तरीके से जो मामले बन रहे हैं, जो बांग्लादेशी आकर यहाँ विवाह कर रहे हैं, जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, क्या उस मुद्दे पर वो घेर पाएगी? क्या विधानसभा क्षेत्र में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या बरहेट जो अभेद किला रहा है, जो चार बार चुनाव हुए हैं, जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार चुनाव जीतती आई है, चारों चुनाव जीतती आई है, क्या बीजेपी इस बार बरहेट में कुछ कमाल कर पाएगी, या फिर वो अबूझ पहेली बनकर रह जाएगी भाजपा के लिए? मिलेंगे फिर।